डीआईजी राजेश डी मोडक ने बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने आरटीसी बैरक में सहित अन्य व्यवस्थाओं की चेकिंग की। इस दौरान डीआईजी राजेश डी मोडक ने पुलिस के जवानों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया एवं एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, सीओ लाइन सुमित शुक्ला, आरआई उमेश कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी व पुलिस के जवान मौजूद रहे। मेन गेट सर हम लोगों ने पहले से ही बंद कर रखा था, 22 तारीख से ही पहला शटडाउन हुआ था, यही एंट्री खोल के रखी सर। बस नई बिल्डिंग सर अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उसमें हमने बना दिया है इन केस हमारा बंदा अगर कोई क्वारंटाइन में रहना चाहेगा। कुमार इधर ये तो बता रहे सीओ जगह की, जैसे टेबल पे चार घंटे वो जिंदा रहता है तो वो पीड़ित आदमी से अगर आप हाथ मिलाओ तो हो सकता है उसके हाथ में वो वायरस लगा हो। क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं, मैंने ये मास्क इसलिए लगाया है कि जो मेरे मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट है वो दूर ना, बीमारी जो बीमारी से पीड़ित है वो जब बात करता है तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट निकलते हैं, ठीक है। उस ड्रॉपलेट की लाइफ कहीं पे भी वो गिर जाए या आपके मुंह में चला जाए या आपके आंख में चला जाए या आपके हाथ में गिर जाए तो उसकी लगता है। तो कप्तान साहब ने आप लोगों को कुछ दिन तक 10-15 दिन तक क्वारंटीन में रखने के लिए एक फैसिलिटी भी बनाई है, वहाँ पे ज़्यादा ख्याल रखा है जाएगा आपका। ये मत सोचना कि मैं नहीं जाना चाहता नहीं, जो जिसको लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है वो खुद ही बताए कि नहीं साहब मेरे को बुखार आ रहा है, मुझे खांसी है, मुझे छींक आ रही है, तो इस तरह के सिम्टम्स पे आप क्वारंटीन में जा सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, हाँ अगर कोई बात कर रहा है तो वायरस काफी देर तक जिंदा रह सकता है ना। और हाँ, और बाकी ये तो कह रहे हैं कि हाथ पर कुछ हो ही रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छे त्रुटि आ रही है, उसी बिल्डिंग से बाहर निकाले थे हम लोगों ने, यही आरटीसी जो अभी आप देख रहे थे ना, सबको बुलाओ आओ इधर आओ।